4 जून 1936 में बॉम्बे में जन्मी नूतन के पिता कुमार सेन समर्थ एक फिल्मकार हुआ करते थे और माँ शोभना समर्थ एक जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, काफी पतली दुबली थी, रंग सांवला था और कद ऊंचा था। गाइस, उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं का दौर था जिसमें पतले और दुबले की और सांवले लोगों की कोई जगह नहीं थी, उन्हें कुरूप समझा जाता था। घर वाले भी नूतन को उनके लुक के चलते खूब ताने देते थे जिससे वो काफी प्रभावित भी हुई थी और अपने आप को बदसूरत समझने लगी थी। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदशक्ल लड़की समझती थी और लोगों से झिझकने की वजह से उनमें एक ऐसा आ गया था कि वो अपने को शीशे में देख ना पसंद ही नहीं करती थी। नूतन के लुक को देखकर खुद माँ शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। और फिर नूतन ने साल 1945 की फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करियर शुरू किया था। महज 14 साल की उम्र में नूतन को के आसिफ की फिल्म मुगले आजम का ऑफर मिला। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। फिर माँ ने उन्हें एक सलाह दी, माँ ने कहा मुगले आजम ठुकराने से कुछ नहीं होगा और माँ शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली के आसिफ से। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी बनाई। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असली बहन तनुजा जो कि काजोल की माँ है वो उनकी छोटी सिस्टर है गाइस उनको मिला था। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई थी। गाइज ये भी एक किस्सा है और ये तो आपको बता ही दिया है कि जब वो अपनी फिल्म नगीन देखने के लिए गई थी शम्मी कपूर के साथ जो कि उनके फैमिली फ्रेंड थे और उनको जाने नहीं दिया गया था अंदर। वो सोच रही थी कि मैं हीरोइन हूँ इस पिक्चर की तो मैं आसानी से जा सकूंगी। गाइस जब वो फिल्मों में आई तो जो रिश्तेदार उन्हें बदसूरत कहते थे और ताने देते थे और फोन करके कह रहे थे अब कि क्या काम किया है तुमने, क्या लग रही हो, तारीफ कर रहे थे, तो नूतन ने खुद कहा जो रिश्तेदार मुझे बदसूरत कहते थे उनकी सोच रातों रात बदल गई थी। वो कहने लगे थे कि उन्हें मुझ पर गर्व है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। और बात करें उनके पतले होने की तो फिल्मों में काम करने के लिए नूतन इतनी कड़ी मेहनत करने लगी कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी माँ शोभना चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने एक साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती हैं। नूतन ने एक साल पढ़ा पूरी कर मसूरी आ गई जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया। नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब भी जीता था। वो फिल्मों में हमें संस्कारी बहू या फिर लड़की के रोल में ही दिखाई पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्विम सूट पहनकर भी अपनी इस पहचान को तोड़ा था। पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन ने 1955 में की फिल्म सीमा में काम किया। बेहतरीन काम बैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्टर्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विम सूट पहनने वाली पहली नेत्री बनी। उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन की में खूब काम फिल्मों में काम किया। और अब बात कर लेते हैं गाइज नूतन जिस बात के लिए चर्चा में है अपनी माँ के रिश्तों से। तो 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की जिससे 2 साल बाद उन्हें बेटा मोहनीश बहल हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसा बड़ा कि उन्होंने 20 सालों तक बातचीत नहीं की आपस में। गुस्सा इतना था कि नूतन एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट से उतर गई थी। गाइज शोभना ने एक इंटरव्यू में कहा कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ये सब किया है। गाइज दो बार ये किस्सा हो गया था, एक बार उन्होंने राजेंद्र कुमार के थप्पड़ मारा था और दूसरी बार माँ से झगड़ा हुआ, संजीव कुमार के थप्पड़ मारा था, सॉरी गाइज, और दूसरी बार माँ के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें भी पति को ही घसीटा गया था। किंतु उनके बेटे मोहनीश बहल ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया था और
और गाइज नूतन जो है घर बैठने वालों में से नहीं थी। शादी के अगले ही साल नूतन को बिमल रॉय की फिल्म बंदनी का ऑफर मिला, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म टुकरा दी। पति रजनीश ने नूतन को खूब समझाया कि ये फिल्म करनी चाहिए, तो वे राजी हो गई। ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रही। वो अपने कैरियर में कामयाबी का श्रेय अपनी पति को दिया करती थी। ये अपने जमाने की इकलौती एक्ट्रेस थी जो 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आती थी। गाइस 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीतकर नूतन ने सबसे ज्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बना रखा है। गाइस समय के साथ देखिए गाइज उम्र भी बढ़ती है, तो नूतन के साथ भी यही हुआ और उन्हें स्पोर्टिंग रोल ऑफर होने लगे और उन्होंने किए। 1976 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के बाद नूतन सपोर्टिंग रोल में ही नजर आने लगी। उन्होंने मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में की गाइज, और 1979 की फिल्म में कानून अपना अपना में नूतन आखिरी बार नजर आई। शायद 1990 की बात है ये। इनकी दो फिल्में नसीब वाला और कालीगंज की बहू निधन के बाद इनके तब रिलीज हुई। हाँ गाइज आपसे उनके बेटे के बारे में भी बात करना जरूरी है। गाइज नूतन के बेटे मोहनीश बहल ने 1983 की फिल्म में बेकरार से फिल्मों में कदम रखा था। जब उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया का ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर ने ये कहते हुए उन्हें लेने से इनकार कर दिया कि वो नूतन के बेटे हैं। दरअसल मोहनीश ने फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन सूरज ने उनसे कहा था कि तुम नूतन के बेटे हो, इसलिए विलेन ना बनकर हीरो बनो। मोहनीश नहीं माने तो सूरज ने उनसे वादा किया कि वो उनको नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करेंगे। आखिरकार सूरज ने अपनी अगली फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में मोहनीश की इस इमेज को बदलकर ये काम कर दिखाया। जी हाँ, वे बेस्ट एक्टर्स के सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रखती हैं। वहीं 2011 में उनकी भतीजी अभिनेत्री काजोल ने इस कैटेगरी में 5 पुरस्कार जीते हैं। अपने सशक्त अभिनय के लिए 6 बार पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री जया बच्चन के अलावा सबसे ज्यादा सम्मानित अभिनेत्री हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी सशक्त प्रभावशाली अभिनय के लिए साल 1974 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। गाइस लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाली अभिनेत्री, अपनी सौम्य मुस्कान से हजारों दिलों को जीतने वाली, सशक्त और प्रभावशाली किरदारों से सबका मन मोह लेने वाली लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन को हमारा सलाम। तो गाइज नूतन एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर दिया करती थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे उम्दा हीरोइनों में से एक माना जाता था, जिन्होंने की 14 साल की उम्र में अडल्ट होने के बावजूद फिल्मों में काम किया और वो फिल्म उन्हें देखने के लिए थिएटर में जाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। गाइज हटकर फिल्में करने के लिए जानी जाती थी नूतन। चेहरे में मासूमियत थी, सादगी थी और अपने किरदारों में वो जान फूंक देती थी, ऐसा लगता था नूतन के बारे में। फिल्म सीमा की गोरी हो या बंदिनी की कल्याणी हो, अनाड़ी की आरती हो या सुजाता हो, उन्होंने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया। जिस तरह की सादगी के साथ वे पर आती थी, उसी सादगी और सरलता से उन्होंने अपना जीवन भी जिया है। गाइज नूतन जानी मानी अभिनेत्री शोभा समर्थ की बेटी थी और वे अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अभिनेत्री काजोल की माँ तनुजा उनकी छोटी बहन है। 70 के दशक में बॉलीवुड में बोल्ड और ब्यूटीफुल को प्रभावित करने वाली अदाकारा कोई थी तो वो नूतन थी। अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा में सशक्त छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री थी नूतन। वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात नहीं की, पर्सनल बातें ज्यादा शेयर नहीं करती थी वो। शायद यही वजह रही कि फिल्मों की नूतन को सबने जाना, लेकिन असल जिंदगी में वो जो थी उनके बारे में कम ही लोग जानते। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1950 में की थी। जब वह स्कूल में पढ़ती थी तो 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह कर लिया था। गाइस एक किस्सा शेयर करते हैं आपसे। 1951 में फिल्म नगीना रिलीज हुई थी जिसमें डरावने सीन थे, इसलिए नाबालिगों के लिए
फिल्म देखने की मनाही थी। नूतन की उम्र उस वक्त महज 15 साल थी और वे अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची। उन्हें लग रहा था कि वे फिल्म की हीरोइन हैं तो उनका जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हुआ इसका उलट। वॉचमैन ने थिएटर के गेट पर ही नूतन को रोक दिया। काफी बहस के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गाइस। एक बार तो उन्होंने संजीव कुमार को थप्पड़ भी मारा था। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है कि 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ मार दिया था गाइस। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग की चर्चा खासकर बनी रहती थी, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया था। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा हो गया। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वे इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया था। नूतन राजेंद्र कुमार की भी पसंद थी गाइज। ऐसा था, नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की। खैर, रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में गाइस फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल ही गया। वहीं शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने हो गए थे। हालांकि दोनों बचपन में ही एक दूसरे को जानते थे, बड़े होते तो डेटिंग भी करने लगे थे, एक दूसरे से शादी के लिए राजी भी थे। नूतन की मां शोभना को इस रिश्ते पर कोई एतराज भी नहीं था, लेकिन समर्थ परिवार के नजदीकी प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया गाइस। तो इस प्रकार नूतन काफी लोगों की पसंद भी रही हैं फिल्म एक्टर्स की। और गाइस यहाँ पर एक बात ये भी बता दे कि नूतन के साथ हर कोई काम करने के लिए तैयार था, किंतु वो जिसके साथ काम करने के लिए तैयार थी वो थे दिलीप कुमार साहब। वो दिलीप कुमार साहब को बहुत पसंद करती थी और सोचती थी कि एक मूवी उनके साथ हो जाए। इसका मौका उन्हें मिला बाद में। पहले किस्सा सुनिए। 1953 में एक फिल्म बन रही थी शिकवा, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार, और दुर्भाग्य देखिए कि ये फिल्म अधूरी ही रह गई और नूतन को इसका मलाल काफी समय तक रहा। वे चाहती थी कि ये मूवी पूरी हो और उनका सपना जो है दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का वो पूरा हो जाए। उस समय के टॉप एक्टर थे क्योंकि दिलीप कुमार, और वो ये फिल्म कर नहीं सकी और इसका मलाल रहा उन्हें। पर देखिए फिर जाकर के सुभाष गई की फिल्म कर्मा बन रही थी, तो उन्होंने दिलीप कुमार के अपोजिट नूतन को कास्ट किया। तब जाकर नूतन की दिलीप संग काम करने की अधूरी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। तो गाइज ये तो वही हुआ कि अगर आप दिल से किसी चीज की ख्वाहिश करें तो वो परमात्मा भी पूरी करता है। और नूतन को थी तमन्ना, वो फिल्म उनकी बाद में बनी उनके साथ। सुजाता, छलिया, बंदनी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाली नूतन को भी एक जमाने में इतने ताने सुनने पड़े थे उनके चेहरे को लेकर, शरीर को और कद के चलते ताने आए दिन उन्हें सुनने पड़ते थे। लोगों और रिश्तेदारों के दानों के चलते नूतन खुद को बदसूरत समझने लगी थी गाइज। लेकिन यही नूतन देखिए जब फिल्मों में आई तो उन्होंने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया और राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े अभिनेता इनकी खूबसूरती के फिदा पर फिदा हो गए थे गाइज। ये उस दौर की पहली एक्टर्स थी जिन्हें 40 साल की उम्र में भी लीड एक्टर्स का रोल मिलता था। ऐसा होता नहीं है वैसे, और इनके साथ ये थी बात। शादी के बाद भी इन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा गाइज। तो गाइज नूतन ने अपने अभिनय, प्यारी सी मुस्कान, सादगी और स्टाइल से लोगों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है जो कभी भी मिट नहीं सकती। नूतन ने वैसे तो सुपरस्टार बनने पर भी घमंड नहीं किया और उनके जो चेहरा था वो इतना मासूमियत भरा था कि कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें घमंड है अपने सुपरस्टार होने पर। उन्होंने बंदनी, सौगात और सीमा जैसी महिला केंद्रित फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने इन फिल्मों के जरिए जो एक सामाजिक मुद्दा उठाया उसने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी गाइस।
और जहाँ की सब यही कहते थे कि नूतन हमेशा अपने पति के कहने पर चलती है। और इस बारे में नूतन ने कहा कि रजनीश ने मुझसे कहा कि यदि आप एक चित्रकार या लेखक भी होती तो भी मैं आपको अपना काम बंद करने लिए नहीं कहता। और यह बात ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड फोटोग्राफर गौतम राधाक्षक से कही थी इस विवाद पर बात करते हुए। इस बात का तो जिक्र मैंने कर दिया है कि पारिवारिक विवाद में कई सालों तक नूतन और शोभना समर्थ जो उनकी माँ है उनके बीच कोर्ट में केस चला और अपनी माँ शोभना से एक बार भी बात नहीं की थी उन्होंने। शोभना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नूतन को एक किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। शादी के बाद ये सब बदल गया, हम दूर हो गए और फिर यह घटना हुई जिसने हमारे रिश्ते को 20 साल तक के लिए तोड़ दिया। यहाँ पर गाइज आपको ये बताना जरूरी है कि नूतन और शोभना के बीच क्या विवाद था। शोभना ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च कराया था नूतन को। इस फिल्म कंपनी में नूतन और माँ दोनों की हिस्सेदारी थी। नूतन फिल्मों से जो भी पैसा कमाती थी वह सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभाला करती थी और नूतन को ये डाउट था कि उनका पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा। और गाइज सोशल मीडिया की माने तो माँ शोभना के साथ नूतन अपनी बहन तनुजा के काफी करीब थी, लेकिन एक विवाद के कारण उनके बीच दूरी आ गई थी। जब नूतन ने शोभना के साथ ये विवाद बढ़ा तो वह माँ के साथ ढाल बनकर खड़ी रही। जीना इसी का नाम शो में जब तनुजा और बतौर मेहमान आई तो नूतन को लेकर कहा था, हम लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन जब सब ठीक हुआ तो बहुत बातें थी करने के लिए लेकिन वह हो नहीं पाई और कैंसर के कारण नूतन का निधन हो गया था। और इस विषय में उनकी माँ बताती है कि 1992 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को वो अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर ही बैठी थी। उन्होंने कमरे से नूतन के चिल्लाने की आवाज सुनी। नूतन जोर जोर से दर्द से कहरा रही थी, लेकिन जब तक शोभना कमरे में पहुंची तो देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नूतन गर्जना और इंसानियत फिल्मों में काम कर रही थी, जहां एक तरफ गर्जना कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट बदलकर साल 1994 में रिलीज किया गया था। नूतन के पति रजनीश बहल का निधन साल 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से हो गया था गाइज। और शोभना जो उनकी माँ है उन्होंने उनके बारे में कहा कि 20 सालों तक चला कोर्ट केस उनके बीच, फिर भी 1983 तक खत्म हो चुका था केस। खत्म तो हो गया था पर दोनों की बातचीत काफी देर बाद शुरू हुई गाइज और उनके रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं हुए। नूतन की मौत के बाद शोभना ने कहा, मुझे नूतन के जाने का एहसास तक नहीं हुआ। मैं अंतिम संस्कार से वापस आई तो कहा लाओ खाना दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नूतन बहुत प्यारी थी लेकिन उसने जीने की इच्छा खो दी। वो समझ चुकी थी कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे। उसने अपनी बीमारी को बढ़ने दिया, ख्याल रखती तो और जी सकती थी। वो कहती थी मैं जागना चाहती हूँ, अभी सो रही हूँ, मेरी मीराबाई चली गई। 2000 में उनकी माँ शोभना का भी कैंसर से निधन हो गया। माँ भी जानी मानी एक्ट्रेस थी, वो भी बाल कलाकार के रूप में भी काम करती रही हैं और इसको बादस्तूर जारी रखा नूतन ने। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर अभिनय कैरियर की शुरुआत कर दी थी। 45 साल के एक्टिंग कैरियर में नूतन ने कई बेहतरीन फिल्में दी और 9 बार बेस्ट एक्टर्स का खिताब भी जीता है। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट था और इसी वजह से इनकी मौत हुई थी गाइज। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। कैंसर का पता लगाने के बाद भी नूतन फिल्मों में शूटिंग करती रही। कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया गाइस, जहां उनकी 21 फरवरी को मौत हो गई गाइस। दरअसल नूतन के परिवार को हमेशा यही लगता रहा कि उनके पति रजनीश का व्यवहार उन पर हावी है। नूतन के कुछ दोस्त का उनके पति रजनीश के साथ भी अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा था। हालांकि मोहनीश बहल जो बॉलीवुड के नामी सितारे हैं उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी और उनका जो विवाद था वो काफी लंबा चला और तनुजा अपनी बहन के काफी करीब थी वो भी दूर हो गई और उनकी माँ को इस बात का बहुत गम भी रहा और
और एक इंटरव्यू में उनके बेटे मोनिश बताते हैं कि मैं उनकी फिल्में ज्यादा नहीं देखता क्योंकि जितना मैं देखूंगा उतना ही उन्हें मिस करूंगा। और उन्होंने काफी गंभीर फिल्में भी की हैं जिससे मैं ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैं उन्हें पर्दे पर ही सही लेकिन तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकता। मेरी माँ एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर थी। मैं उनके तमाम शोज पर जाता था। कई बार कश्मीर जैसी जगहों पर आउटडोर शूटिंग होती थी तब भी मैं उनके साथ जाता था। मुझे देव साहब, राज अंकल और सुनील दत्त साहब के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। गाइज, ये मोनिश बैल ने एक इंटरव्यू में कहा है। मिली थी गाइज। तो हमने आज इस वीडियो में नूतन के बारे में जितनी हमें जानकारी थी सोशल मीडिया से, उनके इंटरव्यू से, वो हमने आपको दी। गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को